आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। थाना नागल पुलिस क्राइम ब्रांच व सर्विस लांच की संयुक्त टीम के साथ आज साधारण सिर के जंगलों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक घायल हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश जसवंत पुलिस को देख फायर कर भाग रहा था, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद थाना नागल पुलिस क्राइम ब्रांच और सर्विस लांच की टीम ने बदमाशों को साधारण सिर के जंगलों में घेर लिया, जहां दोनों ओर से हुई फायरिंग में बदमाश जसवंत पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पकड़ा गया बदमाश जसवंत 10,000 का इनामी है। बिजली की बढ़ाई जा रही दरों एवं देश प्रदेश में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपने मांगों के निस्तारण की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। बिजली की बढ़ी हुई दरें, गन्ना भुगतान, नदियों का प्रदूषित जल, किसान को कैंसर हो रहा है उस जल से, और फैक्ट्रियों का पानी पड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे हरियाणा में आधा बिल है, पंजाब में फ्री है, ये 50% पहले बढ़ाया इन्होंने, 25% अब बढ़ाने जा रहे हैं, तो किसान यहाँ का किसान बर्बाद होने की कगार पे है। कहाँ पर आए आप, आए और मुख्य मांग क्या आप लोगों की? कमिश्नरी पे आए हैं, कमिश्नर से है, शासन को ज्ञापन देना है, मुख्य मांग है हमारी बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं, निःशुल्क किया जाए, हमारा ब्याज सहित भुगतान गन्ने का भुगतान किया जाए, किसान का शोषण बंद किया जाए, किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो आगे बताया जाएगा क्या होगा, हो सके धरना आगे तक चल जाए, कोई जरूरी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला अध्यक्ष जयवीर राणा के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और एक केंद्रीय परिवहन मंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर सहारनपुर दिल्ली रोड से देवला बेहट रोड भूमि का अधिग्रहण होने के बावजूद एवं किसानों को मुआवजा दिलाने के उपरांत भी बाईपास का निर्माण न होने से दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के बीच में ही रोक दिया गया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय परिवहन मंत्री से इस निर्माण के जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में ठाकुर आदित्य राठी, अंकित कुमार दीमान, महेश भोला सहित काफ़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल आज हमारे व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को प्रसिद्ध ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसमें हमारी मांग है जो
दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्टेट हाईवे जो बसपा सरकार में 2011 में बना था उसे 2014 में जब 2014 में एनडीए की सरकार आई उन्होंने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे कर दिया और उसमें जो इसके चारों तरफ के पेड़ भी इस हाईवे के काट दिए गए। इसकी 220 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी और अब इसकी लंबाई 120 किलोमीटर कर दी गई है। हमारी इसमें मुख्य मांग ये है कि जो इसमें बाईपास बनना था दिल्ली रोड से अपने देवला तक वो नहीं बना है और इसके दोनों तरफ के पेड़ काट दिए गए हैं और पुल पुलियाओं का निर्माण इसमें कर दिया गया है और किसानों से को पैसा भी इस हाईवे का दे दिया गया है, उसके बाद भी पुल पर इस पर कार्य प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। हमारा यही इसमें आपसे कहना है कि टैक्स व्यापारी और सब लोग टैक्स देते हैं और आप टैक्स के द्वारा सड़कों का निर्माण होता है, वो पैसा गलत यूज हो रहा है, उस पैसे का गलत यूज ना हो। जिला चिकित्सालय में राजा सैनी के साथ की गई मारपीट के मामले में आज सैनी समाज के लोगों ने एक पत्रकार वार्ता कर प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। समाज के लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान राजा सैनी द्वारा अनियमितताएं बताने की वजह से डॉक्टरों ने वार्ड बॉय व अन्य स्टाफ के साथ मिलकर राजा को बुरी तरह पीटा, साथ ही उसको इमरजेंसी के पीछे एक रूम में ले जाकर बंद कर दिया, जिसके बावजूद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। ये प्रेस वार्ता है जो राजा सैनी के साथ उत्पीड़न हुआ है, अमानवीय व्यवहार सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों और वार्ड बॉय ने किया है। इसको मारपीट की गई है, इसको उन्होंने प्रतिपादित किया है, इसको शरीर में ऐसे अनुचित ट्रीटमेंट देके इसको इतना पीटा और बेहोश कर दिया और इसका फर्जी मेडिकल बनाकर मुकदमा तो राजा सैनी का होना चाहिए था क्योंकि राजा सैनी के साथ गलत हुआ, लेकिन उल्टा मुकदमा राजा सैनी के खिलाफ ही लिखा गया क्योंकि जो इंस्पेक्टर जनकपुरी है वो अस्पताल के डॉक्टर ने मैनेज कर लिया है बिना राजा सैनी के। राजा सैनी की एप्लीकेशन दिए हुए राजा सैनी का बैकडेट में मेडिकल बन गया है, ये कौन सा तरीका है? अब क्या कार्रवाई? हम न्याय चाहते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? हम घेराव करेंगे सभी अधिकारियों का। मैं दीपक सैनी, मैं भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं इस बात को पार्टी के उच्च स्तर तक उठाऊंगा। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के विरोध में आज बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक 8 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। इस दौरान कुलदीप लहरी, मोहकम सिंह, सोनी कुमार, सुमित कुमार, प्रतिभा बर्मन, राहुल बालियान, सुमित कुमार सहित काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा होगा भविष्य में, लोग समर्थन देंगे, कोई समर्थन ना दे, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग निश्चित देंगे क्योंकि उन्हीं की हम मांग उठा रहे हैं। हम लोग लगातार ही हमारा प्रयास है और हम आपको ये प्रेषित करते हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। रोज का अखबार देख लो, वहाँ बलात्कार की मर्डर की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं लगातार है, वो हर रोज आ रही है। GST में व्यापारियों को आ रही समस्याओं के समाधान हेतु आज व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष नरेश धीमान के नेतृत्व में वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय पहुंचा और एक वित्त मंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपने सुझाव देते हुए अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री मनोज ठाकुर, महानगर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा, विजय गुप्ता, नवीन सिंगल, राजेंद्र सिंह कोहली, राजकुमार कालड़ा, अश्वनी गुप्ता, रवि वैश्य, दीपक रहेजा सहित काफ़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम व्यापार मंडल की तरफ से वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को कुछ स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया और कुछ समस्याएं हमारी ऐसी हैं कि व्यापारियों के हित में हो तो एक वित्त मंत्री जी के नाम हमने 11 बिंदु का एक ज्ञापन सौंपा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ज्ञापन जब वित्त मंत्री जी के पास जाएगा तो व्यापारियों को और
सुविधाएं मिलेंगी ताकि व्यापार बढ़े और सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी हो, सरकार को ही जाए तो ये 11 बिंदु लेकर हम आज मिले। सहारनपुर न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।